बिहार में आजकल चाय का स्टार्टअप का दौर चल गया है, रोज़ तरह तरह के स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं। इसी बीच में पटना में हम ऐसे एक चाय के स्टार्टअप को दिखा रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव के एक फैन ने खोला है। जी हाँ, आप देखिए किस तरह आरजेडी फैंस चाय एवं नाश्ते वाले के नाम से एक दुकान खोली गई है आरजेडी के फैन के द्वारा, और देखिए किस तरह लालू प्रसाद यादव की पोस्टर लगाई गई है, तो दूसरी ओर नीचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है और भावी मुख्यमंत्री बताया गया है तेजस्वी यादव को, और साथ ही इस पोस्टर में कोटेशन लिखा हुआ है, युवाओं का दर्द अब युवा सरकार ही समझेगी। यानी कि जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो युवाओं का दर्द समझेंगे। तो जिस तरह का बेरोजगारी का आलम है, जो बिहार के युवा हैं तरह तरह के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, दूसरी ओर इनके ठेला पे आपको दिखा रहे हैं जो चाय की टपरी इन्होंने लगाई है, इस टपरी पे दूसरी तरफ एक कोटेशन लिखा हुआ है, एक फुटपाथों पर ठेले वाले लोगों को हल्के में मत लेना साहब, क्योंकि लाखों परिवारों की रोजी रोटी इसी से मिलती है। तो इसके नीचे कई तरह के कोटेशन इन्होंने लगा रखा है, लैला नहीं थमती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाने लग जाए, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो। तो कई तरह के मोटिवेशनल लाइन इनके द्वारा लिखे गए हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अखिलेंद्र यादव हिंदुस्तानी। अखिलेंद्र यादव हिंदुस्तानी। चाय बेचने का ख्याल कब से आया? चाय बेचने का सोचेंगे, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है, घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। प्राइवेट में कहूँ काम करता है तो 10 रुपये देता, 12 घंटा काम लेता है कस के, तो सोचा कि अब अपना ही काम करें, कम पूंजी लगाकर इसमें अच्छा पैसा हो। अच्छा, इस चाय के टपरी खोलने में आपका कितना पूंजी लगा? मेरा पूंजी सर 16,000 पर लग गया, सब कुछ करते हुए जी सर। और कितना कमा ले रहे हैं इससे? जी कमा रहे हैं 700-800, अभी हो रहा नया नया में। अच्छा, 800 फायदा हो जाता है डेली, 800-900। अच्छा, ये बताइए आप पढ़े लिखे कितने हैं, कहाँ तक पढ़ाई आपने किया है? जी सर BSc फाइनल होना, इन सब फाइनल हो जाएगी। अच्छा, BSc की पढ़ाई आपने किया है, फाइनल इस साल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि चाय का दुकान खोला जाए? प्रेरणा खुद के मिली, जब आदमी जब सियान होता है ना, अपने कंधे पर लोड पड़ता है तो अपने प्रेरणा मिल जाती है इससे। तो दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगा के दुकान खोलनी है? लालू का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा फैन है। हाँ। जी सर, उसको हमेशा बहुत अच्छी करते हैं, मान अंदर करते हैं। लालू ये बिहार के सबसे बड़ा नेता हैं। अच्छा, क्या उनका अच्छा लगता है आपको? उनको भाषण देते हैं अच्छा लगता है, वो गरीबों को मसीहा, बहुत गरीबों की सेवा किए हैं बहुत। और लालू प्रसाद यादव के जो दोनों लड़के हैं, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव, उन दोनों में कौन पसंद है? जी दोनों पसंद है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और भविष्य में तेज प्रताप यादव को मौका मिलेगा। दोनों आदमी को मौका, दोनों आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, उनको पूरा परिवार मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा जी, दो बन चुके हैं, लालू बन चुके हैं, रावड़ी बन चुके हैं, तेजस्वी बनेगा, बाद में तेज प्रताप भी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज बने, 5 साल के बाद बने कि बनेंगे। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, अभी अग्निपथ योजना को भी लेकर चर्चा है, 4 साल नौकरी कर दी गई है, इस पे कुछ कहना है बेरोजगारी पे? अग्नि के मत कहिए सर, वो तो अग्नि तो रह गया, वो तो युवा को तो सब नहीं लिया। हाँ। 4 साल लेकिन दौड़ता है, 4 साल की नौकरी कौन करेगा? हाँ। उसे बढ़िया चाय बेचो, जो बढ़िया चाय बेचो तब फिर कहाँ करेगा? हाँ। उसे कोई शादी ब्याह करेगा? हाँ। बड़े की 4 साल की नौकरी है फिर कहाँ जाएगा? फिर तो बड़े बन जाएगा ना। अब BJP सोचता है कि 4 साल नौकरी करे क्या, वो हमको आगे गार्ड में खटो मेरे अथी में, वो करेगा? अच्छा, किस किस तरह का चाय बना रहे हैं आप? प्लेन चाय है? हाँ, अभी थोड़ा ही चाय है। मटका में बेचते हैं? हाँ, अभी मटका लाने वाले हैं। अच्छा जी, कूलर में बेच रहे हैं? कूलर चाय बेच रहे हैं। कितना दाम रखते हैं? अभी दाम 10 रुपये है, 10 रुपये एक कप का। और कितना को फ्री में देते हैं? जो गरीब आदमी होता है फ्री में देते हैं, आता है जो। अच्छा, गरीब आदमी को फ्री में दे देते हैं? जी, जो नहीं है पैसा दे देते हैं। जिस तरह बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, जो बेरोजगारी हुआ है उनको कुछ कहना चाहिएगा? बेरोजगार ये कहना चाहते हैं कि पलटू चाचा नीतीश बाबू के आसन मत रहिए, ये रोजगार देने वाला नहीं है, अभी फिर पलट गए हैं। देखो पलटे थे ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा मना जाएंगे, उसी पे कल बोले कि 19 लाख रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार दिए? और वही अगर रहते तेजस्वी यादव तो रोजगार 10 लाख नौकरी पक्का देते हैं। तो ये चाय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचते थे, उनसे प्रेरित होकर चाय बेचना चाहिए था, लालू यादव से कैसे प्रेरणा मिली? नहीं, प्रेरणा की बात नहीं है,
अपना खुद का रोजगार खोले, लालू यादव से खुश हैं, सोचें कि जनता के नजर में लालू यादव रहे, उनको फैन है, उनको बहुत आदि फैन है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के फैन, यादव के 75% अभी फैन है, मुख्यमंत्री ना भी हैं तभी। लड़की सब बहुत बेच रही है चाहे, और क्या करें, लालू प्रसाद में थोड़े बेचता था, नीतीश के राज में तो क्या करने पड़ रहा है भाई, हर एक काम करने पड़ा नीतीश सरकार के राज में। अच्छा, पढ़ लिख जाओगे, आगे नौकरी लगेगा तो नौकरी करोगे कि चाहे बेचोगे? नौकरी लगेगी तब ना, नीतीश कुमार के सत्ता में नौकरी की उम्मीद नहीं रखते हैं। अच्छा, पैसा है तो नौकरी है तो नहीं पैसा, अब तेजस्वी तो, भैया पर उम्मीद रखते हैं, उनको सत्ता आएगी तो नौकरी हम लोग को मिलेगी। तो तेजस्वी यादव पे इनको उम्मीद है कि उनकी सरकार जब आएगी तो युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, जब तक युवा बेरोजगार हैं तब तक उनके लिए ये चाय की दुकान ही है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पटना से, पंजाब के सी टीवी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।